नमस्कार बच्चों, हम लोग की जो कविता थी वो आधी हो गई है, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। छठी पंक्ति जो है, समय की पहचान, उसके जो मैं कविता पढ़ा रही थी, समय की पहचान, उसके जो कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। अब हमने पांच पंक्तियाँ ख़त्म की थी, अब जो छठी है फिर एक बार मैं पढ़ा रही हूँ छठी। तो तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तो यहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि कोई भी समय आप तुम लोगों को एक क्षण पल का भी समय तुमको मिलता है, या छोटा सा पल भर के लिए भी अगर तुम्हें समय मिलता है तो वो उसे मत गंवाओ, उस पर जो है आप लोग कार्य करो और उस पर जो है आप लोग परिश्रम करो। एक समय भी, एक पल भी, एक क्षण भी बिना गंवाए आप लोग क्या है उसे, उस पर कार्य करो, उसका अपना काम समाप्त करो, क्योंकि ये एक पल, ये एक क्षण जो है हमारे जीवन के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है इसे तुम क्या है बेकार मत समझो, इसे बेकार मत बनाओ, ठीक है, व्यर्थ मत करो इसे। एक एक पल को क्या है तुम लोग क्या है उस समय को क्या है परिश्रम करके, कार्य करके क्या है अपना जीवन सुधारो, अपने जीवन को क्या है महत्वपूर्ण बनाओ। हर एक पल क्या है समय का क्या है सदुपयोग करना चाहिए, हर एक पल, हर एक क्षण में जो है तुम लोगों को क्या है उसका सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ कवि यही कह रहे हैं। फिर करना है जो काम उसी में चित लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। और जो भी तुम्हें काम दिया जाता है उससे मन से तन से कार्य करो, एक रुचि से करो आप लोग, ऐसे नहीं बनावट बन के, बनावटी करके या फिर किसी को दिखावा दिखा रहे हो, ऐसे मत करो। जो भी कार्य करना है अपने मन को, अपने चित्त का अर्थ है यहाँ पे मन, ठीक है, ध्यान, और संदेह का अर्थ है शक, अविश्वास। तो जो भी आप लोग काम कर रहे हो या कार्य कर रहे हो उसमें क्या है अपना मन पूरी तरह से लगा दो, दिखावा मत करो, ठीक है, किसी को आकर्षित करने के लिए भी मत करो, अपना कार्य जो है ईमानदारी से मन से करो, चाहे वो एक घंटा हो, जो भी समय मिलता है उसमें तुम्हें क्या है कार्य करना होगा। और जो भी और अपने अपने पर विश्वास रखना है, अपने आत्मा पर विश्वास रखना है, ठीक है, कि जो भी मैं करूँगा, जो भी है मन में वो विश्वास रख कर क्या है इस कार्य को करना चाहिए कि मैं ये कार्य करके ही रहूँगा, ये तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, ये नहीं। जो भी कार्य समय मिलता है उसमें क्या है तुम मन लगा के करना है, रुचि कर रख कर करना है, ध्यान से करना है, और क्या है अपने आत्मा पर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो ये तुम्हारे में विश्वास होना चाहिए। और जो भी तुम्हें आलसीपन आ जाए या बहाने आ जाए तो वो क्या है शक को क्या है दूर करना चाहिए, उस डॉट्स को क्या है जो भी डाउट्स आते हैं उसे क्या है दूर करना चाहिए और अपने भगा देना चाहिए, और अपने मन की शक्ति जो है, अपने मन में जो भी विश्वास है उसके साथ वो क्या है कार्य में रुचि रखकर, कार्य में क्या है मन लगाकर उस कार्य को खत्म करना चाहिए। यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं। अब आखिरी पंक्ति है, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अब सर्वथा का अर्थ है हमेशा के लिए, जो भी तुम्हें समय मिलता है, अच्छा समय मिलता है तुम्हें, फिर ये समय कब मिलेगा, फिर तुम्हें ये समय नहीं मिलेगा, चला जाएगा। इसीलिए जो भी समय मिलता है, सुसमय मिलता है, अच्छा समय मिलता है, तो उसको क्या है उसमें ही क्या है अपना कार्य तुम्हें कर देना है, ठीक है, अपने समय को क्या है वो सदुपयोग करना है, उस समय जो भी तुम्हें मिलता है उसमें अपने कार्य को, अपने काम को समाप्त करना है, उसी समय करना है काम को। और क्या है अगर ये समय चला गया तो बाद में क्या है तुमको क्या है पछतावा होगा, ठीक है, तुमको क्या है हमेशा क्या होगा आपको मन में एक दुख होगा कि मैंने ये कार्य क्यों नहीं किया, तो ये पछतावे से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो भी मिलता है समय उसका सदुपयोग करके हमें जीवन में क्या है आगे बढ़ना है, अगर ये समय चला जाता है तो हमें बाद में क्या है पछतावा होगा। इसीलिए कवि कहते हैं फिर हमें ये समय वापस नहीं मिलेगा, तो तुम्हें क्या है इसका सदुपयोग करना चाहिए।
और अभी भी क्या है तुम इस अभी भी तुम जागो और क्या है इस समय को क्या है व्यर्थ मत करो। अभी भी क्या है कुछ बिगड़ा नहीं है तुम्हारा, ठीक है, अभी भी तुम्हारा क्या है कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, तुम अपने कार्य को क्या है करते चलो और सफलता की राह पर निकलते रहो। अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर क्या है तुम्हें केंद्र रखना है, अर्थात तुम्हारा ध्यान पूरा क्या है अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, अपने कार्य पर होना चाहिए और क्या है अपने कार्य को करते हुए निकलना चाहिए। यहाँ पर जो है कविता खत्म हो रही है, समाप्त हो गई है। अभी उसका जो आशय है ये हम थोड़ा और पढ़ लें। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। अर्थात आप लोगों को क्या है इस समय का महत्व समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये कविता ख़त्म हो रही है, मैं आप लोगों को जो है PDF द्वारा समझाऊंगी। हाँ, ये कविता दो दो जो पंक्ति है वो परीक्षा में आएगी, आप लोग जो है एक से दो बार फिर ये कविता जो है पढ़ लो, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। हाँ, इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।